आज राजमा बनाते हैं। इसके लिए मेरा 250 ग्राम राजमा है, इसको मैं रात में ही भिगो कर, और भिगोने के पहले 5-6 पानी से धोकर रात में फूलने के लिए डाल दी थी। उसके बाद मैंने 4 सीटी लगाकर इसको बॉईल कर ली हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन एक 40-50% बॉईल है। उसके बाद मैं इसके लिए 2 मीडियम आकार का टमाटर ली हूँ। उसके बाद ये 2-3 प्याज है, और इतना आदि और लहसुन का थोड़ा सा कूचा हुआ, ये दोनों है लहसुन और आदि, 1 इंच आदि है और 5-6 कलियाँ लहसुन है। उसके बाद मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। फिर इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी ली हूँ, उसमें मैंने पहले हल्दी पाउडर डाली, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद ये है जीरा और मिर्च पाउडर, ये है धनिया पाउडर। सबको मैंने पहले से ही फूलने के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर गरम कर लिए। देखिए उसमें मैं तेल डाल रही हूँ, इग्नोर कीजिएगा, फिर थोड़ा सा ब्लैक जैसा कढ़ाई लग रहा है इसलिए कि मैंने इसमें राजमा को बॉयल की हूँ। अब इसमें मैं छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और 2 लौंग, 2 और छोटी सी दालचीनी और 2 तेज़पत्ता डाले हैं। 2 टुकड़ा करके एक हरी मिर्चा को सूख गया उसको मैं डाल दी। उसके बाद ये जब चटक जाएगा मेरे सारे जीरे फूल गए हैं। उसके बाद मैं उसमें लहसुन और आदि का कूटा हुआ जो है वो डालकर इसको चला लूँगी। ज़्यादा नहीं, फिर थोड़ा सा ही, 1 मिनट के लिए इसको मैं चलाऊंगी। उसके बाद देखिए इसमें मैं सारे मसाले को जो मैं पानी में भिगो कर रखा था उसको मैं डाल दे रही हूँ, डाल कर गलने के लिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा सा ही मैं नमक डाल रही हूँ। अब इसको मैं गलने के लिए थोड़ा सा देखिए, फिर मेरा छोटे गिलास में इतना सारा ही पानी अटा हुआ था, इसको मैं डालकर 2 सीटी लगा लूँगी आज पर। अब चलिए फिर, सीटी का प्रेशर छोड़ दिया है, अब गैस को करते हैं ऑन। और देखिए किस तरह से हो गया। अब इसको मैं धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लूंगी। ये जो प्याज है इसको थोड़ा सा छोड़ी चलाते हुए मसल कर, इस तरह से, इसी तरह से चलाते हुए इसको सारा पानी को जला देंगे। देखिए ये पानी सब जल गया इसका, इसी तरह से इसको सुखाते हुए प्याज को मसलते रहेंगे कि अच्छा ग्रेवी बन जाए। उसी दौरान मैं छोटी जो चाय का चम्मच होता है ना उससे मैं एक घर का बना हुआ ही गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें। जब एक गरम मसाला इसी दौरान डालिएगा ना फ्रेंड, तो जो राजमा है ना उसमें भी इसका
चला जाता है। इसी तरह से इसको सारा पानी को सुखा देना है। सुखाने के बाद इसमें हम राजमा डाल के एक दो बार चलाएंगे। उसके बाद जितना आपके को ग्रेवी रखना है, किसी चावल के साथ खाते हैं, किसी दाल बिना नहीं खाते हैं, तो जिस तरह से आपके घर में जो खाना पसंद करते हैं उस तरह से आप इसमें पानी डालकर एक सीटी या दो सीटी आप लगा दीजिए। किन्हीं का कुकर है कि एक ही सीटी में अच्छे से गल जाते हैं, और किन्हीं का कुकर है जो दो सीटी लगाने पर भी वो अच्छे से नहीं पकते हैं। तो अपने अपने सामान का तो जानकारी खुद होगा आप जिनके पास है उन्हीं को, इसलिए जिस तरह से आपका कुकर गलाता है उसी तरह से आप सीटी लगा दीजिएगा। देखिए मेरा तो इस तरह से कि सॉफ्ट हुआ होल है, दबाने पर हो रहा है, फिर थोड़ा सा इस तरह से दबाने पर ये दब रहा है, इसलिए मैं एक सीटी ही लगाऊंगी। अब देखिए ये मेरा चारों बगल से तेल छोड़ने लगा, मैं तेल कम डाली हूँ फ्रेंड। है तो मेरा घर का ही सरसों का तेल, आप जो तेल में बनाती हैं उसी तेल में आप बनाइए। ये जरूरी नहीं है कि सरसों का तेल में ही बनाएं, आप रिफाइंड में बनाती हैं तो रिफाइंड में बनाएं, घी में बनाती हैं घी में बनाएं, सरसों का तेल में बनाते हैं सरसों, अच्छा ऑलिव ऑयल कोई भी आप जो तेल में आप बनाती हैं ना घर में खाना उसी में आप बना लीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। अब देखिए मेरा तेल और छोड़ दिया है, इसमें मैं सारे राजमा बॉयल किया हुआ इसमें मैं अब डाल रही हूँ। इसके बाद मैं ज़्यादा बार नहीं, दो चार बार चलाकर इसमें पानी डालकर एक सीटी लगा लूँगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड। मेरे घर में लाल मिर्चा कोई नहीं खाते हैं, इसलिए मैं लाल मिर्चा नहीं डाली हूँ। मेरे घर में तीखा खाना पसंद बच्चे लोग नहीं करते हैं। अब चलिए इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। आपके घर में जिस तरह से ग्रेवी खाना पसंद करते हैं आप उसी तरह से इसमें पानी डालिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जितना डाल रहे हैं उतना ही आप भी डालिए। और ये जो मेरा राजमा वाला पानी था वो मैं डाल दे रही हूँ। राजमा वाला पानी डालने से पहले थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है, लेकिन उसका जो सारा जो प्रोटीन है इसमें आ जाता है, इसलिए मैं उसका पानी डाल देती हूँ। फुलाते समय तो बहुत बार मैं धोकर ही डालती हूँ ना, गर्म पानी से भी डोल कर डालती हूँ, इसलिए मैं इसका जो बॉयल वाला पानी है ना मैं डाल देती हूँ उसी में। उसके बाद एक सीटी लगाकर इसमें मैं धनिया पत्ता डालकर परोसने लायक तैयार हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह ही, चलिए एक सीटी दे दिया फिर, और गैस भी प्रेशर भी छोड़ दिया। अब देखते हैं देखिए अब इसमें धनिया पत्ता डालकर और एक चुटकी मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दी फ्रेंड। देखिए लग रहा है ना लाजवाब। अब चलिए इसको चावल के साथ खाइए। देखिए फ्रेंड्स